सभी को नमस्कार। इस कोविड ने कैसे कैसे पैटर्न हमारे बच्चों को दिखा दिए। अब तो ये भी लगने लगा है कि ये जो टर्म वन सीबीएसई ने डिसाइड किया है ये टाइम से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर टाइम से हो जाएगा तो किस पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर का सेटअप होगा और उसका सिलेबस क्या होगा सीबीएसई का, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। कोर्स तो वैसे भी बच्चे बहुत शार्पली बड़ा स्पीडली कंप्लीट कर रहे हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग अपना एक क्राइटेरिया सिलेबस का देख लेते हैं क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया है सीबीएसई ने कि बच्चे टर्म वन में जब नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर, ये नंबर सिस्टम मींस जो आपका चैप्टर एनसीईआरटी में है दैट इज द रियल नंबर। रियल नंबर से 6 मार्क्स का आएगा, एल्जेब्रा से 10 मार्क्स का आएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इससे 6 मार्क्स का हो जाएगा। ज्योमेट्री 6 मार्क्स की है और ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली स्कूलों में ट्रिग्नोमेट्री ही टीचर पढ़ा रहे हैं 5 मार्क्स की है। मेंसुरेशन का पार्ट 4 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स। तो अब की बार स्टैटिस्टिक्स से कुछ भी नहीं आने वाला है, बस ये पार्ट जरूर स्टैटिक्स का एक प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल ये 40 मार्क्स का आपका पेपर होने जा रहा है। इंटरनल असेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्कूल असेस करता है उसके लिए आपको दो काम करने हैं। पहला, आप अपनी क्लास पर कॉपी अच्छी से बना के रखिए और जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी होमवर्क कॉपी भी कंप्लीट करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लास टेंथ इन स्पेशली मैथमेटिक्स इज योर एक्टिविटी कॉपी, उसको जरूर आप कंप्लीट रखिएगा। 3 काम अगर आपके स्कूल असेसमेंट के लेवल पर बहुत अच्छे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका टीचर आउट ऑफ इंटरनल असेसमेंट जो 10 का होगा ना तो किसी बच्चे को 9 से कम नहीं देगा। लेकिन आप क्लास अटेंड करिए उनके ऑनलाइन और उनके काम को पूरा रखिए तो इन एवरी सब्जेक्ट नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, मैं तो ये एश्योर करता हूँ आपको कि अगर आप अपने टीचर के टच में रहोगे तो आप 9 और 10 मार्क्स स्कूल असेसमेंट से इमीडिएट पाने। आउट ऑफ 50 में आसानी से आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, अदरवाइज 48 और 49 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। पेपर का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा इसके बाद जब मैं कोर्स का स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस कर लूंगा। तो ये 40 मार्क्स का आपका टर्म वन का पेपर होगा, 10 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलेंगे, टोटल 50 मार्क्स हो जाएगा टर्म वन का। अब देखते हैं असेसमेंट जो होगा वो किस तरह से होगा आपका और कैसा होगा। सबसे पहले तो जो पीरियडिक टेस्ट आपने स्कूल में दिया है उसका कम से कम 3 मार्क्स लिया जाएगा। मल्टीपल असेसमेंट जो मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं, पोर्टफोलियो जो आपका होगा उसके 2 मार्क्स होंगे एंड स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ आपका क्लास वर्क और होमवर्क और मल्टीपल असेसमेंट और पीरियडिक टेस्ट मिलाकर के 7 मार्क्स का ये हो गया। आपकी अगर कॉपीज अच्छी हैं, प्रैक्टिकल असेसमेंट में प्रैक्टिकल वर्क और एक्टिविटी वर्क आपका अच्छा है तो 10 मार्क्स आपके, मैं कहता हूँ गारंटी से कि स्कूल कभी भी कंजूसी नहीं करेगा आपको देने में, हमेशा याद रखिए। बट यू हैव टू मेक सिंपल एंड सॉफ्ट टच विद योर टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट प्लीज। इसके बाद अब आ जाते हैं अपने कंटेंट के ऊपर कि हमें कौन कौन से सिलेबस पे कितना फोकस करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत शार्पली बताता जाऊंगा। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर में से आपके बाबा यूक्लिड गए, कुछ भी नहीं पूछने वाले उससे वो, बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, एवरी नंबर कैन बी फैक्टराइज इन द फैक्टर ऑफ प्राइम्स, याद आ गया। इसके स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा और रिवाइविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर स्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, LCM, HCF है एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब है वो भी शायद चला गया, प्रूफ दैट रूट टू इज रैशनल, रूट थ्री इज रैशनल, बात समझ गए, वो कहीं नहीं दिया है रिविजिटिंग ऑफ रैशनल नंबर। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे जरूर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का ध्यान रखें। चलिए एल्जेब्रा पर आ जाते हैं। तो एल्जेब्रा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आएगा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, खासतौर से रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। इसका मीनिंग ये हुआ क्यूबिक पर बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है, ना ध्यान देना है। हाँ, लर्न जरूर कर लो क्योंकि हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स अगर लेना है आपको तो आपको उस फुल चैप्टर को पढ़ लीजिए, बट टीचर आपको फोकस करेंगे किस पर कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम।
नाउ थर्ड चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ध्यान से सुनना अब इस बात को। इस चैप्टर के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एल्जेब्रिकली, और एल्जेब्रिकली मेथड में कौन कौन सा, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिनिश, राइट। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी आपकी आ सकती हैं, टू डिजिट नंबर हुआ एंड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पर हुआ एंड फ्रैक्शन पर जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द लीनियर इक्वेशन ही पूछी जाएगी, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट इसमें से बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। हाँ, ग्राफिकल मेथड्स पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो पक्का बता देता हूँ मैं, वो टर्म वन में कहाँ बना सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर बना सकता है, राइट। सो नाउ लेट्स वी टेक चैप्टर नंबर थ्री। थ्री में तो उन्होंने नहीं लिया है, हटा दिया है, वो टर्म टू के लिए है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाइए आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस इन टू डायमेंशंस रिव्यू कर सकते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला है ये, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, उसमें भी इंटरनल डिवीजन है। आपको पता है ना, सेक्शन फार्मूले में हम आपसे फाइंड करवाते थे, फाइंड द सेक्शन पॉइंट पी If AB is divided in the ratio M1 and M2, right? अब मेरे पास इतना यहाँ बताने का टाइम नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब आप X और Y फाइंड आउट करते थे तो M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2 internal division का, ऐसे Y का आप बना सकते हो। तो दो ही फार्मूले याद रखना है, एक आपको डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा आपको सेक्शन फार्मूला। हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 मार्क्स देगा या 5 आपको। अब ज्योमेट्री पे आ जाते हैं। ट्राइंगल के चैप्टर्स में डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पर बहुत सारा डिस्कशन आपने चैप्टर से किया होगा। बट इसमें जो प्रूव करने के लिए थ्योरम आ सकती है वो कौन सी है, ये है, जहां प्रूव लिखा है, जहां मोटिवेट लिखा हुआ है। ये मोटिवेट का मीनिंग है कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो प्रूव कौन सी थ्योरम है ये, पक्का ये आपका बीपीटी है। इस बीपीटी थ्योरम के स्टेटमेंट को और इस बीपीटी थ्योरम के एप्लीकेशन को अच्छी तरह समझ लो, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सब बच्चों को ये प्रूव करना आता होगा। बट इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये इसका कन्वर्स हो गया। कन्वर्स प्रूव दैट के लिए नहीं आएगी, अंडरस्टैंड। बस खाली इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका एग्जामिनेशन ही एमसीक्यू बेस होगा तो कौन प्रूव कराएगा आपसे, आप ये भी सोचिए, अंडरस्टैंड। स्कूल में जरूर आपका PT1 PT2 PT3 जो भी एग्जाम होगा उसमें ये प्रूफ दैट आ सकता है, कौन, बीपीटी का, राइट। आगे बढ़ते हैं। जितने भी ये कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ये सब मोटिवेट, मतलब इन कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जरूर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। अब प्रूव दैट फिर आ गया यहाँ पर, ये मैं इसको हैशटैग लगा देता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इन ए राइट ट्राइंगल, स्टेटमेंट ही राइट ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, बच्चा इमीडिएट समझ जाएगा दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। यस, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, वेरी गुड। ये आपके PT1 PT2 PT3 में जरूर प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। बट इसका जो कन्वर्स है, इन ए ट्राइंगल If the square of one on one side is equal to the sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle. इस पर question आपसे पूछ सकते हैं। ये question कहाँ आ सकते हैं? MCQ में भी बन सकते हैं और PT1, PT2 में पूछा जा सकते हैं। Next, जैसे ही आप geometry finish करेंगे तो introduction of the trigonometry आ जाएगा। Introduction of the trigonometry में प्लीज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ध्यान से पढ़िएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी बुलवाने लगे हैं लोग बाग। ध्यान से पढ़िएगा साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सभी को प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से, और वो भी जितने भी एक्यूट एंगल्स की स्टडी राइट एंगल ट्राइंगल में करना है बड़े आराम से। बट प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं इसके प्रूफ। जैसे वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, करेक्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के। मैंने कहा था ना कि एक बार CBSE में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द साइन 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली, राइट।
तो आप ध्यान से करिएगा इसको, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री इक्विलेटरल बनाओगे तो 30 एंड 60 हो जाएगा, 45 में एनिसोसेलेस ट्राइंगल बनाओगे राइट एंगल ट्राइंगल तो 45 डिग्री प्रूव्ड हो जाएगा और सभी एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। और आपको उस टेबल से जीरो से लगा के 90 डिग्री तक की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी लर्न करनी है। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज। हाँ, इन रेशियोज में क्या क्या रिलेशनशिप होती है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, टेन को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, कॉट थीटा को साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में, इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। मैं तो ये कहता था क्लासेज में कि बच्चों अगर ट्रिग्नोमेट्री की थ्री आइडेंटिटीज का अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया और अब आप प्रूफ करना सीख गए हो तो 100 आइडेंटिटीज जरूर आप प्रूफ करना सीख लीजिए। बुक्स में तो 15-10 से ज़्यादा नहीं दी गई हैं, लेकिन आपको एक और बता दूं कि प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, इसे प्रूफ करना राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू जरूर सीख लीजिएगा। पाइथागोरस अप्लाई करिएगा और हाइपोटेन्यूज के स्क्वेयर से उस एक कंडीशन को पाइथागोरस को डिवाइड कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, वैसी नहीं दी जाएगी जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज में दी गई है, दी जाएगी लेकिन उसमें से जो कॉमन और सिंपल होगी जिसमें साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन अप्लाई होता है। लेकिन अगर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन में एप्लीकेशन में दे दिया तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन, क्योंकि इस आइडेंटिटी से अदर टू भी प्रूव्ड हो जाती हैं। ट्राइंगल से पाइथागोरस अप्लाई करने पर अदर टू आइडेंटिटी भी प्रूव्ड हो जाती हैं। एनीवे कॉमन और सिंपलेस्ट चीज़ों को आप तैयार करके रखोगे, आई एम 100% श्योर कि आपका कोई बाल बांका होने वाला नहीं है। आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करेंगे ही टर्म वन में, अगर आपने मेरी बात मान ली तो। चलिए मेंसुरेशन पर आते हैं। मेंसुरेशन में आपको ये चैप्टर पूछेगा खाली एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स। अब देखिए इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, वैसे ये चैप्टर का एरिया और दायरा बहुत बड़ा है। मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, सेगमेंट्स ऑफ द एरिया ऑफ सेगमेंट्स भी पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर, इन तीनों पर, सेक्टर्स पर, सेगमेंट पर एंड एरिया ऑफ सर्कल पर, सेमी सर्कल भी मान लीजिए। इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर आपका एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 120 डिग्री सेंट्रल एंगल दिया है, प्लीज डोंट डू दैट, उसको बिल्कुल करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस पकड़ना है जिसमें 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री से लेस देन वाले एंगल आपको दिए गए हों। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, जिसमें ट्राइंगल बना हो सर्कल के अंदर सर्कल के बाहर, जो भी सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन, जैसे एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस ना उसी लेवल के क्वेश्चंस करना है। बस सेंट्रल एंगल 120 डिग्री जिसमें भी दिया होगा ना, बिल्कुल भी नहीं उसको करना, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं पूछेंगे। लास्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या पूछेगा, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी तो 9th क्लास से ही 7th से भी सीख के आते हैं बच्चे, क्या पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2E लगा रहता है सब में। सो सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी से शायद 3 मार्क्स का पेपर आने वाला है। दिस इज द कंप्लीट डिजाइन सिलेबस ऑफ सीबीएसई। लेकिन क्वेश्चन पेपर जो टर्म वन में आएगा तो मैं बता देता हूँ, 1 to 20 हर चैप्टर से क्वेश्चन जो आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सारे हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन लेगा और एमसीक्यू बना के आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 से जब चलेगा तो 21 से जाकर के वो जब 30 तक पहुंचेगा तो ये पक्का मान लो 30 हो या 25 तक तो ये पूछेगा assertion एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। assertion मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो बना के डालूंगा, assertion मुझे माउस से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, एंड द रीजनिंग। फिर 30 से लेकर के 35 और 40 तक ये जितने भी, ये 25 है शायद, हाँ ये 25 है और ये आपका 26 से लगा करके और ये 40 तक जाएंगे तो 3 क्वेश्चन में जो पूछे जाएंगे उसमें 5 पार्ट्स होंगे और वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लो हो गए आपके 40 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, 1 मार्क का होगा, तो 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन सीबीएसई का डन। बात समझ गए कि नहीं? और बहुत जल्दी सीबीएसई ऐसा एक सैंपल पेपर इशू करने जा रही है, वैसे मार्केट में बहुत से लोगों ने अपने अपने बना के पब्लिशर्स ने डंप कर दिए हैं, आप उनको भी पढ़ते रहिए क्योंकि इस समय आपको घर पे बैठ करके ऑनलाइन स्टडी में
कोई भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल आपके फेवर का मिलता है, कहीं से भी मिलता है, प्लीज लर्न इट। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू कि सीबीएसई ने ये ओपन कर दिया कि हम किस एरिया से कितना पूछेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब मैं सीबीएसई का भंडारा करने वाला हूँ, सैम्पल पेपर्स का, एसर्शन एंड रीजनिंग का, केस स्टडी बेस क्वेश्चंस का। बट जिन जिन चैप्टर से मैंने जो जो इसमें वीडियो में आउटलाइन बना दी है, लाइन अंडरलाइन कर दिया है, प्लीज़ बातों को ध्यान रखेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा, और फ़ायदा हर बच्चे का होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।